बच्चे एकदम फुल एक्टिव है। और आप देख सकते हैं कि पीछे से बर्ड्स का समझ में आ जाता है कि बर्ड का हेल्थ कैसा है। ये देखिए बर्ड्स के बेबी का हेल्थ किस तरह का है, ये देख सकते हैं ये लोग का कुछ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिंदों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज मैंने सन पुनूर के बच्चे को हैंड फीड के लिए उठा लिया, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन से बच्चे किस बॉक्स से मैंने निकाले थे, क्योंकि अभी मैंने जल्दी में निकाल लिया था और मैं वीडियो नहीं किया, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि इस बॉक्स में जो अभी दो बच्चे थे जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये मेल बाहर है और इसकी फीमेल जो वो अंदर अभी बैठी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अभी बॉक्स को ओपन करके यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये जो फीमेल वो निकल चुकी है, ये देख सकते हैं ये फीमेल यहाँ पे और मेल यहाँ पे। और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि उस बॉक्स में आप देख सकते हैं जो नीचे जो सन कुनूर मेरे वहाँ पे, कि इस बॉक्स से भी मैंने बच्चे जो वो मैं निकाल लिया, और जो बच्चे को मैं निकाल कर कहाँ पे रखा हूँ और क्या कितने बच्चे निकाला हूँ, तो चलिए ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि मैंने यहाँ पे कूट के जो डब्बे में यहाँ पे रख चुका हूँ, ये देखिए यहाँ पे कितने बच्चे आप देख सकते हैं, एक दो, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दो तीन और चार पांच बच्चे यहाँ पे, और पांचों के पांचों आप देख सकते हैं कितने एक्टिव है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि कुछ रेड रेड का आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो है मैंने जो बीट खिलाता हूँ, आप जान सकते हैं रूट बीट जिसे कहा जाता है, बीट जिसे बीट खाते हैं बट, तो वो काफी रेड रेड कलर के होते हैं जो बच्चा को फिट कराते वक्त ये देख सकते हैं कि लग जाता है। तो मैंने भी अभी सोचा कि ये क्या लगा हुआ, फिर मैंने देखा कि जो मैंने बीट खिलाया था उसी को बीट जब माँ बाप फिट कराया तो इस तरह का लग गया, ये देख सकते हो। और बच्चे का हेल्थ देख सकते हो, सारे के सारे बच्चे एकदम फुल एक्टिव है। और आप देख सकते हैं कि पीछे से बर्ड्स का समझ में आ जाता है कि बर्ड का हेल्थ कैसा है। ये देखिए बर्ड्स के बेबी का हेल्थ किस तरह का है, ये देख सकते हैं ये लोग का कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि फीडर वो आ जाएगा। तो इस साइज के जो बर्ड्स होते हैं वो हैंड फिट के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि अभी से जब मैं हैंड फिट कराऊंगा तो काफी आसानी से हैंड फिट ले लेंगे, लेकिन बहुत सारे भाई जो बोलते हैं कि बड़ा बच्चा चाहिए मुझे हैंड फिट के लिए, तो वो काफी बहुत ही ज्यादा परेशान करता है हैंड फिट लेने में। लेकिन इसे जब मैं हैंड फिट करूंगा तो ये इतने आसानी से हैंड फीड लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इस टाइप के जो बच्चा होता है वो काफ़ी अच्छा टेम भी होता है और हैंड फीड भी होता है, तो इसलिए कभी भी आप हैंड फीड के लिए निकालें तो इस टाइप का बच्चा को आप निकाल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है हैंड फीडिंग कराने में भी और हैंड टेम करने में भी। तो ये देख सकते हैं जितने भी बच्चे का हेल्थ माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, ये देखिए। तो ये लोग जब आएंगे तो जो मेरे बर्ड जो सन कुनूर बर्ड के बच्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा पैट कलर में आते हैं और बहुत ही अच्छा हेल्थ होता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि बच्चा का जब अभी थोड़ा थोड़ा जब फीडर आएगा, ये देख सकते हैं अभी से हल्का हल्का ये देखिए फीडर का जो है वो आ रहा है, रोवा टाइप का ये आ चुका है। ये कुछ ही दिनों में ये देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह से रेड रेड लग रहा है, लगता है कि कुछ काटा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मैंने बीट खिलाया उसके वजह से वो जब माँ बाप फीट कराए तो उसका लग जाता है, वो इतना ज़्यादा रेड रहता है कि लगता है कि कुछ खून वगैरह जैसा, खून का जैसा लगता है। ये बीट जो होता है वो पूरा का पूरा लाल होता है, अगर हम लोग हाथ में काट के जब देते हैं बीट को। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं देखा, तो गाइस यहाँ पे मैं इस बीट का बात कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं इसी को बीट कहा जाता है। ये जो होता है वो पूरा का पूरा रेड होता है, जब मैं काट के देता हूँ तो मेरे भी हाथ में पूरा लग जाता है, पूरा खून का जैसा। इसलिए ये देख सकते हैं जब मैं खिलाया तो, इसलिए बीट को अगर खिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है बर्ड्स को अगर बीट खिलाएं तो। इसलिए अपने बर्ड्स को बीट भी ज़रूर इस्तेमाल कराएं, जिससे आपके जो बच्चे का जो बर्ड्स के बेबी का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, एक्टिव होता है, ये देख सकते हैं। तो नीचे में ये देख सकते हैं, ये मैंने लकड़ी का यहाँ पे मुरादा दिया, जो लकड़ी का छिलका होता है उसे आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये गर्म होता है और बच्चे को इससे कोई दिक्कत नहीं होता। अगर पॉटी वगैरह करेंगे तो इसमें आसानी से सोख लेंगे, तो इसलिए आप कभी भी बर्ड्स के बेबी को निकालें तो पहले इस तरह का आप ले लें। उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डुलची रखा हुआ, तो डुलची में इस तरह मैं रख दूंगा ऐसे बच्चे को, और ऊपर से मैं पतला सूती का कपड़ा जो है यहाँ पर दे दूंगा, ताकि यहाँ से जो पाके ये देख सकते हैं कि इसमें मच्छर वगैरह ना जाए और आसानी से बर्ड्स के बेबी जो है वो आसानी से हैंड टेम हो जाए, हैंड फीडिंग हो जाए, ये देख सकते हैं। तो गैस उम्मीद है कि आज का ये सब बेबी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ, जब तक अपने और अपने बर्ड्स का अच्छे से केयर करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रख के चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।